नमस्कार शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आद्या शक्ति राय आज गणितीय अधिगम का आकलन पोर्टफोलियो विषय पर आपसे चर्चा करूंगी, जिसकी चर्चा के मुख्य बिंदु होंगे पोर्टफोलियो क्या है, गणितीय अधिगम में पोर्टफोलियो आकलन के उद्देश्य, पोर्टफोलियो और अन्य मानकीकृत परीक्षण में अंतर, पोर्टफोलियो आकलन के प्रकार, गणितीय पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकने वाले कुछ आइटम्स, पोर्टफोलियो आकलन के गुण एवं दोष। संरचनावाद और बहुबुद्धि के सिद्धांत इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि विद्यार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान अर्जित नहीं करते, बल्कि वे सक्रिय रूप से अपने लिए ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इस ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में विद्यार्थी का सिर्फ संज्ञानात्मक पहलू ही नहीं, अन्य पहलू भी सम्मिलित हैं। अधिगम के परिवर्तित दृष्टिकोण से मूल्यांकन प्रक्रियाओं में परिवर्तन स्वाभाविक है। इन सिद्धांतों और परिवर्तनों ने गणितीय शिक्षण अधिगम के सभी आयामों में परिवर्तन को प्रेरित किया है और नए रुझानों का अनुरोध किया है। गणित शिक्षण अधिगम की पारंपरिक विधि में प्रत्यक्ष अनुदेशन, तथ्यों और प्रक्रियाओं को रटने पर जोर दिया जाता था और मूल्यांकन की पद्धति भी रूढ़वादी परंपरागत कागज कलम परीक्षण और मौखिक परीक्षणों की थी, परंतु ये विधियाँ विद्यार्थी के विकास से संबंधित पर्याप्त या उपयुक्त जानकारी देने में समर्थ नहीं हैं। किसी भी विषय के अधिगम का आकलन शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित होता है। विद्यालयी गणित शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थी में गणितीय चिंतन, तर्क शक्ति, अवधारणात्मक एवं समय स्थानिक समझ, समस्या समाधान इत्यादि शक्तियों को विकसित करने के साथ ही विद्यार्थी में आत्मविश्वास, सृजनात्मकता एवं संवाद क्षमता को विकसित करना है। अतः गणितीय अधिगम के आकलन की विधि भी सतत, व्यापक एवं समावेशित होनी चाहिए। इसी कारण से सीखने की प्रक्रिया और सीखने के उत्पाद दोनों का आकलन करने के लिए वैकल्पिक आकलन के तरीकों की आवश्यकता होती है। गणितीय अधिगम के प्रयोग में की जाने वाली वैकल्पिक आकलन विधि में से एक है पोर्टफोलियो। इसको समझने के लिए हम पहले एक केस देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका संगीता विद्यार्थी के गणितीय अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीकों का प्रयोग करती हैं, जिससे कि उनका सतत आकलन किया जा सके और आकलन परिणामों का प्रयोग उनके अधिगम को बढ़ाने में किया जा सके। औसत के संप्रत्यय के शिक्षण अधिगम के दौरान यह विविध सामूहिक गतिविधियों के आयोजन का निर्णय विद्यार्थियों के साथ मिलकर लेती हैं कि विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए वस्तुओं को एकत्रित करके संग्रह किया जाएगा। विद्यार्थी औसत पर आधारित कविता, कहानी, निबंध, पेपर कटिंग, अन्य कार्य जिसमें विद्यार्थियों के स्वयं के विचार, टिप्पणी, विवरण, व्याख्यान अपने अनुभव के आधार पर दे सकें। अपनी सृजनात्मक क्षमता का प्रयोग करते हुए अन्य कार्य जैसे गणितीय पहेलियों, गणितीय प्रश्नावलियों, शिक्षण अधिगम सामग्रियों को एकत्रित एवं संग्रहित करें। इस कार्य हेतु संगीता एवं विद्यार्थियों ने 2 सप्ताह का समय निर्धारित किया। निर्धारित समय के पश्चात सभी के साथ बैठकर विद्यार्थियों ने अपने संग्रहण को प्रदर्शित करके उसका वर्णन किया। उनमें से कुछ उदाहरण निम्नवत हैं। विद्यार्थी क ने अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की लंबाई ज्ञात की तथा उसका औसत निकाला। विद्यार्थी ख ने औसत पर आधारित एक कहानी लिखी। ग ने अपने क्षेत्र के विद्यालयों में जाकर वहाँ की पुस्तकों और अन्य पठनीय सामग्रियों को पढ़कर 15 उदाहरण औसत से संबंधित एकत्रित किए। घ ने समाचार पत्रों से कुछ समाचार काटकर चार्ट पेपर पर चिपकाए और अपना विचार प्रकट किया इत्यादि। उपरोक्त वर्णित केस में विद्यार्थियों, शिक्षक और साथियों द्वारा चयनित और वर्णित प्रविष्टियों का संचयी व सतत संग्रह, जिसका उद्देश्य विद्यार्थी की क्षमताओं के विकास की प्रगति का आकलन करना है, पोर्टफोलियो कहलाता है। पॉल्सन एंड मेयर की एक परिभाषा जो इस प्रकार है, पोर्टफोलियो छात्र के कार्यों का एक उद्देश्यपूर्ण संग्रह है जो एक या अधिक क्षेत्रों में छात्र के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। संग्रह में चयनित विषय वस्तु में विद्यार्थी की भागीदारी, चयन के लिए कसौटी, योग्यता के मूल्यांकन के लिए मापदंड, विद्यार्थी की स्वचिंतन के प्रमाण सम्मिलित होने चाहिए। इसकी एक बहुत ही समग्र डिफिनेशन वेन ने दी थी 2000 में। एक छात्र पोर्टफोलियो छात्र के काम और संबंधित सामग्री का एक व्यवस्थित संग्रह है जो एक या अधिक विद्यालयी विषयों में एक छात्र की गतिविधियों, निपुणता और उपलब्धियों को दर्शाता है। इस संग्रह में छात्र विद्यार्थियों के चिंतन और आत्ममूल्यांकन के साक्ष्य, पोर्टफोलियो की सामग्री का चयन करने के लिए दिशा निर्देश,
कार्य की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए मापदंड शामिल होने चाहिए। इसका लक्ष्य छात्रों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने, उनकी लेखन क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करने और स्कूल की उपलब्धियों को, उनकी कहानियों को बताने वाले पोर्टफोलियो को इकट्ठा करने में मदद करना है। पोर्टफोलियो आकलन के उद्देश्य निम्नवत हैं: गणित संबंधित जागरूकता को बढ़ाना, गणित से संबंधित सामूहिक क्रियाकलापों का आयोजन करना, गणितीय सिद्धांतों से संबंधित समझ विकसित करना, विद्यार्थियों के अधिगम में आने वाली समस्याओं का पता करना, विद्यार्थियों में गणितीय कौशलों और चिंतनों को विकसित करने वाली गतिविधियों की योजना बनाना एवं क्रियान्वयन करना, विद्यार्थियों को अपनी भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य का संग्रह करना एवं समग्र रिकॉर्ड प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताने एवं प्रदर्शित करने हेतु प्रेरित करना। पोर्टफोलियो एवं अन्य किसी मानकीकृत परीक्षण में क्या अंतर है, यह हम देखेंगे। अब पोर्टफोलियो आकलन, यह विद्यार्थी के प्राकृतिक वातावरण में होता है। मानकीकृत कोई अन्य परीक्षण एक अप्राकृतिक घटना है। यह विद्यार्थियों को अपनी ताकत और साथ ही कमजोरियों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। यह विद्यार्थियों के कुछ कार्यों के चित्रण का सार प्रदान करता है। यह शिक्षक को अधिगम के मौके पर ही व्यावहारिक एवं क्रियाशील जानकारी देता है। यह थोड़ी सी नैदानिक प्रकृति की जानकारी प्रदान करता है। बच्चों के आकलन में बच्चे, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी सभी को सम्मिलित करता है। यह विद्यार्थी के क्रम या श्रेणी की जानकारी प्रदान करता है। यह आकलन और अवलोकन बहुत सारे अवसरों को प्रदान करता है और चलते रहने वाली प्रक्रिया है। यह कार्य विशेष पर विद्यार्थी की क्षमताओं का एक बार स्नैपशॉट है। यह दैनिक कार्य का यथार्थवादी और अर्थपूर्ण आकलन है। यह विद्यार्थी के कृत्रिम कार्य का मूल्यांकन करता है जो कि हो सकता है उनके लिए सार्थक न हो। विद्यार्थी को अपने काम और ज्ञान के बारे में चिंतनशील होने के लिए आमंत्रित करता है। यह विद्यार्थी से एकमात्र वांछित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए कहता है। माता पिता को बच्चे के कार्य प्रगति के बारे में चिंतनशील होने के लिए प्रेरित करता है। यह माता पिता को वास्तव में व्यर्थ और प्रायः भयावह संख्यात्मक सूचना प्रदान करता है। शिक्षक शिक्षार्थी कॉन्फ्रेंस को प्रोत्साहित करता है। शिक्षक प्रशासन कॉन्फ्रेंसिंग को बढ़ावा देता है। पोर्टफोलियो निर्माण के समय ध्यान में रखने योग्य कुछ तथ्य जो कि निम्नवत हैं। पोर्टफोलियो का निर्माण एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्पष्ट होना चाहिए कि पोर्टफोलियो का उद्देश्य क्या है और यह किसके लिए है। यह विद्यार्थियों की वास्तविक दिन प्रतिदिन सीखने की गतिविधियों को दर्शाने वाला होना चाहिए। इसके अलावा पोर्टफोलियो में सामग्री भिन्न भिन्न और बहुआयामी होना चाहिए। इसकी प्रक्रिया सतत होनी चाहिए ताकि यह निश्चित अवधि में छात्रों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धियों को दर्शा सके। पोर्टफोलियो में सामग्रियों के चयन में शिक्षक, विद्यार्थी, माता पिता और स्कूल प्रशासन से सलाह ली जानी चाहिए। पोर्टफोलियो में सामग्रियों को व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक रूप से एकत्रित किया जाना चाहिए। इसको विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भाग के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि रिकॉर्ड रखने के उपकरण के रूप में। उन मानदंडों को साझा किया जाना चाहिए जिनका उपयोग पोर्टफोलियो के काम का आकलन करने के लिए तथा उसके परिणाम को प्रयोग करने के लिए किया जाएगा। शिक्षकों को, छात्रों और माता पिता को पोर्टफोलियो के प्रयोग के बारे में प्रतिपुष्टि देनी चाहिए। पोर्टफोलियो के प्रकार, कोलंबा एंड डॉलगॉस 1995 के अनुसार कक्षा के उपयोग की दृष्टि से पोर्टफोलियो तीन प्रकार के होते हैं। पहला शोकेस, यह विद्यार्थियों के सबसे अच्छे और सबसे अधिक प्रतिनिधित्व काम पर केंद्रित होता है। शिक्षक छात्र पोर्टफोलियो, यह एक संवादात्मक शिक्षक शिक्षार्थी पोर्टफोलियो है जो शिक्षक और छात्र के बीच संवाद में सहायता करता है। इसको कामकाजी पोर्टफोलियो या कामकाजी फोल्डर कहा जाता है। तीसरा, शिक्षक वैकल्पिक आकलन पोर्टफोलियो, इस प्रकार के पोर्टफोलियो में सभी आइटमों की प्राप्तांक की गणना करना, क्रमित करना, श्रेणी बनाना या मूल्यांकन सम्मिलित होता है। शिक्षक अलग अलग विद्यार्थियों की पोर्टफोलियो को, जो पूरी तरह से आकलन के उपकरण के रूप में प्रयुक्त हो, रखता है। गणितीय पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले कुछ आइटम्स: मुक्त प्रश्न, समूह परियोजना की रिपोर्ट, अन्य विषय क्षेत्र के कार्य, छात्रों द्वारा प्रस्तुत समस्याएं, पुस्तक की समीक्षा, एक छात्र के दैनिक पत्रिका से अंश, एक जटिल गणितीय समस्या पर छात्र के काम के ड्राफ्ट संशोधित और अंतिम संस्करण, एक छात्र गतिविधि पर शिक्षक द्वारा एक विवरण जो कि विद्यार्थी की गणितीय अवधारणा के अर्थ ग्रहण को प्रदर्शित करता हो, अखबार और पत्रिकाओं के लेख,
पोर्टफोलियो के प्रत्येक आइटम को समझाते हुए पाठक को छात्र का पत्र, शिक्षक छात्र साक्षात्कार का ऑडियो टेप, छात्र की त्रुटियों या गलत धारणाओं को सुधारने को दर्शाते हुए पेपर्स, शिक्षक या किसी अन्य छात्र द्वारा एक साक्षात्कार के नोट्स, छात्र के काम का वीडियो टेप, एक गणितीय आत्मकथा तथा गणितीय अनुसंधान इसके अंश हो सकते हैं। पोर्टफोलियो आकलन के लाभ। पोर्टफोलियो गणितीय अधिगम में छात्रों को उनकी ताकत और कमजोरियों को समझने में मदद करता है। इसके द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संपूर्ण शैक्षिक सत्र में विस्तार से आकलन किया जा सकता है। विद्यार्थी के विकास के सभी पहलुओं का आकलन इसमें शामिल किया जा सकता है। पोर्टफोलियो का प्रयोग गणितीय उत्पादों और प्रक्रियाओं दोनों के आकलन के लिए किया जा सकता है और वे अधिगम और मूल्यांकन के एकीकरण में सक्षम हैं। पोर्टफोलियो आकलन एकल स्कोर पर आधारित नहीं होता है, अतः इसके आधार पर अधिगम अधिक छात्र निर्देशित होता है। विद्यार्थी को स्वयं से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। पोर्टफोलियो विद्यार्थी के स्वयं मूल्यांकन एवं चिंतन को बढ़ावा देता है। विद्यार्थियों के कार्य के वास्तविक नमूने के आधार पर प्रदर्शन को आकलित करता है। छात्रों को अपने सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने में लचीलापन प्रदान करता है। सहकारी अधिगम क्रियाओं को बढ़ावा देता है। पोर्टफोलियो आकलन के बहुआयामी प्रगति एवं चिंतन कौशल का आकलन करने में सक्षम है। पोर्टफोलियो आकलन के क्या दोष हैं? पोर्टफोलियो आकलन नियोजन एवं क्रियान्वयन में समय की मांग करता है, अतः शिक्षक और विद्यार्थी दोनों पर भारी बोझ डालता है। यह सुनिश्चित करना कठिन है कि पोर्टफोलियो में सूचनाएं सही प्रकार से रिकॉर्ड की गई हैं और वे विद्यार्थियों के प्रदर्शन का सही चित्रण कर रही हैं। आकलन के अन्य तकनीकियों से कठिन है पोर्टफोलियो में सम्मिलित सामग्रियों का चयन करना। सभी आवश्यक समंकों एवं कार्य नमूनों को एकत्रित होने से पोर्टफोलियो भारी हो जाता है, जिससे कि उसका प्रबंधन कठिन बन जाता है। पोर्टफोलियो की स्कोरिंग में व्यक्तिपरक मूल्यांकन प्रक्रियाओं जैसे कि रेटिंग स्केल, प्रेक्षण इत्यादि का व्यापक उपयोग शामिल है, जो कि उसकी विश्वसनीयता को कम करता है। यदि पोर्टफोलियो के लक्ष्य और मानदंड स्पष्ट नहीं हैं, तो पोर्टफोलियो महज सिर्फ विद्यार्थी के विविध गतिविधियों का संग्रह है, जो विकास या उपलब्धि के पैटर्न को परिलक्षित नहीं करता है। किसी अन्य गुणात्मक समंकों की तरह ही पोर्टफोलियो आकलन से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करना एवं परिवर्तन को समग्र रूप से देखना कठिन होता है। धन्यवाद।